इंतजार की घड़ियां खत्म। टी20 वर्ल्ड कप का सबसे हाई वोल्टेज टकरा चंद घंटे की दूरी पर। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में दो रिवायती हरीफ टकराएंगे। पाक भारत मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट की आसामी जंग में किसकी जीत होगी? बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में महारत का इम्तिहान होगा। शायकीन ने बाबर, रिजवान, फखर, शाहीन और आमिर से उम्मीदें लगा ली। रोहित, कोहली, यादव, बुमराह, पांड्या भारत की उम्मीदों के महवर। बाबर आजम और रोहित शर्मा साफ शिकन मुकाबले के लिए तैयार। कौमी टीम के पास मेगा इवेंट में रहने का आखिरी मौका। आज के मैच में शिकस्त पर अगले मरहले तक रसाई नामुमकिन हो जाएगी। बड़े मैच से कबल शायकीन के दिलों की धड़कने तेज। 34,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम हाउस फुल होगा। मैच के दौरान बादल बरसने की भी पेशगोई। अमरीकी महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश के 51% चांसेस है। मुकाबला शुरू होने के आधे घंटे बाद तक बादलों की एंट्री का अंदेशा। भारत के खिलाफ अहम मैच के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीली। आउट ऑफ फॉर्म आजम खान को ड्रॉप करने का फैसला। आजम खान की जगह इमाद वसीम कम बैक करेंगे। इमाद वसीम इंजरी के बाद मुकम्मल फिट हो गए। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां मुकम्मल। ग्रीन शर्ट्स ने जमकर प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग स्किल्स को निखारा। भारत के खिलाफ सिर्फ जीत हदफ। पाकिस्तान टीम के हेड कोच केरी क्रिस्टन कहते हैं, पाक भारत मैच में दोनों टीमों पर प्रेशर होता है। एक नया मैच है, अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। इमाद वसीम मुकम्मल फिट हैं, मैच के लिए दस्तयाब होंगे। टी20 बहुत जालिम फॉर्मेट है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा। पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर अपनी गलती का तजिया करके आएगी। बैटर्स और बॉलर्स को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का प्लान दे दिया। एक दो खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम को किरदार अदा करना होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते और मैच दिलचस्प हो और आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक मैच जाए। बहुत बहुत दुआएं पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए। टीम तो है ही पाकिस्तान, वो तो हमेशा से ही पाकिस्तान रही है। शोबिस सितारों ने पाक भारत मैच पर नजरें जमा ली। कौमी टीम से जीत के लिए उम्मीदें लगा ली। फिल्म स्टार मीरा और मुमताज बेगम की मुकम्मल दुआएं और सपोर्ट टीम के साथ। हैदर सुल्तान और मोहसिन गिलानी की तवज्जो मैच पर। अदाकारा दुर्दाना रहमान और फिल्म स्टार जिशान राहिल का कौमी टीम को जम कर खेलने का मशवरा। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अली जफर कौमी टीम को डट कर खेलने का मशवरा देने लगे। कप्तान बाबर आजम के लिए वीडियो बयान जारी कर दिया। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं बाबर कि आप उसी यकीन, उसी कॉन्फिडेंस और उसी एतमाद के साथ फील्ड में जाएं। हार जीत होती रहती है, लेकिन सामने आके डट के बगैर किसी डर के खेल। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और विश कर रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो इंशाल्लाह मैच भी जीतेगा। मैच बड़ा टफ होगा। पाकिस्तान इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल्स हैं। हमारी बेस्ट विशेज हैं कि हमारी टीम इंडिया से विन करे। एक दिन बहुत डाउन खेलते, दूसरे दिन पता भी नहीं चलता। एकदम उनका मैच इतना हाई क्लास होता है कि आप समझते ही नहीं हो कि उसने वो भी मैच खेला था। पूरी यकीन है बिल्कुल कि पाकिस्तान ये मैच जरूर जीतेगा और हम अपने ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। इंडिया के साथ मैच है और उम्मीद है पाकिस्तान के पाकिस्तान आज जीतेगा। हमारा दिलो जान पाकिस्तान के साथ है, तो पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है मेरे फेवरेट प्लेयर है, मेरे शाहीन अफरीदी और बाबर आजम वगैरह से, कि अगर ये आज जिता दे पाकिस्तान को तो क्या बात होगी। पाक भारत क्रिकेट जंग सरहद के दोनों जानेब शायकीन पुरजोश। पाकिस्तान और भारत के शायकीन मैच देखने के लिए बेताब। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फैन पार्क, लाइव स्क्रीनिंग के इंतजामात। सिक्योरिटी के लिए 1,000 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए। गवर्नर हाउस कराची में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं, आईटी के तलबा के साथ पाक भारत मैच देखूंगा। न्यूयॉर्क में मुकीम शायकीन भी पुरजोश, पाकिस्तान की जीत के लिए पुरउम्मीद। शाहीन आफरीदी को न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस ने घेर लिया, खूब सेल्फियां बनाई। शाहीन आफरीदी से दरख्वास्त की, अपने भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपना दोस्त समझें। शाहीन आफरीदी फरमाइश पर खूब हंसे। सिंध से नून लीग को जोरदार झटका। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। कहते हैं कि सियासी लोग हैं, खामोश नहीं बैठ सकते।
काफी अरसे से जमात से तहफुजात थे, पार्टी का मौकफ तब्दील हो गया, इसलिए अलग होना बेहतर था। अशराफ काकर अब्बासी की अवामी पार्टी में जाने का इरादा नहीं, फिलहाल किसी सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं। सियासत में आइंदा के दाखिल का ऐलान जल्द करूंगा। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान थे। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निजाम में तब्दीली का फैसला, वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। फालतू और खसारे के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग का प्लान, एक ही काम करने वाले मुख्तलिफ इदारों को खत्म किया जाएगा। मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब कहती हैं, मुल्क अच्छे माशी हालात की जानब रवान दवा है, आटे और रोटी समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमत में कमी खुश आइंद है। हुकूमत आवाम की माशी तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। चीनी सरमाकारों की शराकतदारी पर आमादगी माशी तरक्की के राह खोलेगी। पंजाब हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कारकर्दगी रिपोर्ट बता दी। बयान में कहा, रोटी 12 रुपए तक आ गई, महंगाई में 17 दवाई फीसद तक कमी आ चुकी, मुफ्त और इलाज की फराहमी घर की दहलीज तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। महंगाई में कमी आते ही वानी पीटीआई को तकलीफ की होती है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले फिर से मुतहरिक हो गए। 100 दिन में दुरुस्त फैसलों ने आवाम को तारीखी रिलीफ दिया। आइंदा 3 माह में शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की मुल्की सियासत से मुतालिक बड़ी पेशगोई, कहा मुल्की सियासत के लिए 3 माह बड़े अहम हैं। मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। बानी पीटीआई और दीगर सियासतदानों के लिए अच्छे हालात नहीं देख रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम को फिर 9 मई जैसे वाक़े के लिए उकसा रहे हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सवात में कारकुनों से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। केपी हुकूमत को सूबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए, इनको पंजाब में तरक्की की तकलीद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटियों का निज़ाम मैं जब देख रहा हूँ तबाह हाल है। सियासी भर्तियाँ की गई हैं, ओवर जो है अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, सियासी लोगों को खुश करने के लिए की गई हैं। आप देखेंगे पिछले 16 महीने में क्या हो, उससे पहले अब क्या हो रहा है। इस तालीमी निज़ाम को ठीक करने के लिए सियासत को छोड़ना पड़ेगा। आप देखें हमारे खेलों के मैदान गैर आबाद हैं। मुझे यहाँ पर पता चला है कि 15 साल से यहाँ पर जो है कोई भी नेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं हुई। सियासत ठंडे दिमाग का खेल है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मैं अपने हमसाये के बयानात से लुत्फंदोज होता हूं। गुज़िश्ता 15 साल से सूबे में कोई आलमी मुकाबला नहीं हुआ। जामियात में तमाम भर्तियां सियासी बुनियादों पर की गईं। सबसे पहले तो मैं आपके हवाले से ही जो बात करूंगा डिफेमेशन बिल की। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और जिस तरह खान साहब हमारे चेयरमैन इमरान खान ये बात पहले दिन से कहते हैं कि ये दोनों ही एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। हद तक इज्जत बिल पर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन ने कहा कि बानी पीटीआई कहते थे कि नून लीग और पीपी एक सिक्के के दो रुख हैं। उधर मुशीर तलत खैबर पख्तूनख्वा ने हद तक इज्जत इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि चचा विफाक में और भतीजी पंजाब में काले कानून लागू कर रही है। तहरीक इंसाफ इंसान दुश्मन कानून का रास्ता रोकने के लिए सहाफी बरादरी के साथ खड़ी है। सहाफती तंजीमों का हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुकम्मल बायकॉट का फैसला। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। CPNE, MNAPNS, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के ओहदेदारान की शिरकत। एहतजाजी इकदामात पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। मुतनाज़ा काले कानून के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। हुकूमती तकरीबात इजलासों और हुकूमती इत्तेहादियों की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई का भी फैसला। सहाफती तंजीमों ने कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। टी
बीजिंग अस्पताल साहिवाल में आतिशबाजी की, जहां बहक बच्चों की तादाद 5 हो गई। आग और धुएं के असरा से मजीद एक बच्ची जहां बहक। वालिद ने कहा, आग लगने के बाद 2 घंटे तक सादिया को ऑक्सीजन ही ना मिली। 9 माह की नन्नी परी ओकाड़ा की रिहायशी थी। प्रिंस रहीम आगा खान ने हुंजा में नासिराबाद सोलर पावर प्लांट्स की तंसीब का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से 23,400 अफराद को बिजली फराहम की जाएगी। हुंजा में रोयकर सोलर पावर प्लांट फेज 2 की तंसीब का इफ्तिताह कर दिया। पावर प्लांट फेज 2 से 8,760 अफराद को बिजली मिलेगी। सिंध में ओवर चार्जिंग पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम कल से शुरू होगी। इकदाम सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर उठाया गया। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरज फिर से आंखें दिखाने लगा। पंजाब में गर्मी का नया सिस्टम दाखिल हो गया। आइंदा 3 रोज तक सूबे में शदीद गर्मी पड़ेगी। मुख्तलिफ शहरों में पारा हाई होने लगा। लाहौर में मौसमी शिद्दत 42 सेंटीग्रेड तक जा पहुंची। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कान नहीं। शहरियों की बड़ी तादाद नहर में नहाने के लिए पहुँच गई। वीकेंड पर मवेशी मंडियों में कारोबार चमकने का इम्कान। मुख्तलिफ शहरों में लाखों जानवर पहुंचा दिए गए। खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं सचे सवरे बैलों ने शहरियों को मतवज्जो कर रखा। कहीं बकरे और छतरे नखरे दिखाने लगे। इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। नसीरात पनागजिन कैंप समेत गजा भर में बमबारी। 210 अफराद शहीद और 400 जख्मी हो गए। काबिज फौज ने कैंप से 4 इसराइली यरगमाली बाजियाब करा लिए। यरगमालियों की रिहाई अमरीका की मदद से हुई। हमास ने कहा, 9 माह बाद 4 इसराइली यरगमालियों की रिहाई नाकामी का सबूत है। गजा पर इसराइली बर्बरियत के बायस कोलम्बिया ने इसराइल को कोयले की बरामद मअतल कर दी। दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती जारी। व्हाइट हाउस के सामने रेड लाइन रैली का इनेकाद। गजा जंग में अमरीकी पॉलिसीज पर बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने कहा, वाशिंगटन डीसी से फलस्तीन तक हम रेड लाइन हैं। उधर लंदन में भी हजारों अफराद ने फलस्तीन के हक में रैलियां निकाली। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में एक बार फिर से नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन फायर किए। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाएंगे। तकरीब नई दिल्ली में होगी। गैर मुल्की रहनुमाओं समेत 8,000 अफराद मधु। श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश और नेपाल के रहनुमाओं की शिरकत में तवक्को। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना भारत पहुंच गई।